एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी नंबर वन पार्टी, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान, पंजाब में कांग्रेस और आप में कांटे की टक्कर। यूपी में एग्जिट पोल के अनुमान से गदगद बीजेपी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा बहुमत से बनाएंगे सरकार। दिनेश शर्मा बोले बीएसपी और एसपी कांग्रेस की होगी हार। राहुल गांधी का एग्जिट पोल पर बोलने से इनकार, कहा बिहार में हुए थे गलत, उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। महागठबंधन को लेकर अखिलेश के बयान पर जेडीयू ने कहा चुनाव से पहले एसपी बीएसपी को करना चाहिए था अलायंस, नतीजों के बाद पत्ते खोलेंगी मायावती। और नतीजों से पहले पूजा पाठ का दौर हुआ शुरू। कानपुर में एसपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हवन, अखिलेश और राहुल के राज तिलक की कामना। कल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट की इंडिया 24/7 पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे कल सुबह 6 बजे से लगातार। किसका होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का किंग कॉन, हर सीट का सीधा हाल, पल पल बदलते समीकरण, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज। लखनऊ स्टूडियो से हर अपडेट, पहाड़ की हर चुनावी खबर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक, किसकी जीत किसकी हार, सबसे पहले सबसे तेज। 11 मार्च को सबसे बड़ी कवरेज, जनादेश 2017 नतीजों के सियासी मायने देखिए मेरे साथ 11 मार्च को सिर्फ इंडिया 24/7। और अवमानना मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस करणन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, 31 मार्च को पेश होने का आदेश, पहली बार किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ वारंट।